अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, यस मैम। अच्छा चलिए बच्चों, मैं देखती हूँ एक्चुअली क्लासरूम में जो है वो पेपर हो रहा है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन इसको मैनेज कर सकती हूँ तो फिर हम ले लेते हैं, ठीक है? जी बच्चों, पहले ये बताएं पेपर कैसा था, इजी था या मुश्किल था? कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? मैम डायग्राम के अलावा तो सारा कुछ इजी था, डायग्राम तो समझ भी नहीं आ रही थी, मैंने पहले ही कहा था। चलो बच्चे, इतनी आसान डायग्राम भी नहीं आपको समझ आई? मैम नहीं ये नहीं कि मुश्किल थी, लेकिन लेबलिंग ही नहीं समझ आ रही थी। एक देखे इतना आसान पार्ट वो ऑस्टियोफाइट वाला, सारे कह रहे वो ऑस्टियोफाइट थे, इतना मैंने टाइम लगाया मुझे सब। बेटा मेरी आप बात सुने, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमने दो चार ही तो पैथोलॉजी पढ़ी थी, दो चार पढ़ी थी ना, तो उसी में से आना था सारा। अगर आपको पता चल जाता कि जहाँ ज्वाइंट स्पेस कम हो रही है वो क्या होता है बताएं जरा, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। Yes, ma'am. जहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बच्चे, वहां भी क्या होता है, वहां पे आपका ऑस्टियोफाइट भी बनता है, ठीक है? वहां स्पेसिस कम होती हैं। इतना तो आसान था बच्चों ये, अब इससे ज्यादा आसान आप मुझे बताएं लेबल क्या हो सकता है? मैम बहुत आसान पेपर था, बहुत आसान पेपर था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही थी। ये देखिए इतनी बेसिक बात है, कोई भूल थोड़ी सकता कि ऑस्टियोफाइट बने होंगे, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा था क्या करते बच्चों। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप देखें इसमें कंफ्यूज हो गए ना, तो फिर इसके बाद इससे ज्यादा और क्या इजी हो सकता है पेपर, आप ये देखें। एनीवेज गर्ल्स बताएं कैसा था बच्चों पेपर? अच्छा हुआ अभी मैंने वैसे चेकिंग आपकी स्टार्ट नहीं की। यस मैम, बहुत। अब कुछ स्टूडेंट ने एक आध का मैंने देखा, उन्होंने कैल्केनियल स्ट्रक्चर लिखा हुआ बच्चों, हील्स पर था वो बेसिकली, और नीचे वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस था, नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस। चले एनीवेज, वो हम फिर इंशाल्लाह एक लेक्चर में उसका रिव्यू कर लेंगे पेपर का, अभी तो स्टूडेंट्स कम है। आज हमारा बेसिकली जो है वो फ्लोरोस्कोपी का लेक्चर है, ठीक है? ये लास्ट जो सेक्शन डी है वो फ्लोरोस्कोपी पढ़ चुके हैं, ठीक है? हमारा एक ही लेक्चर रहता था, दैट वाज बेसिकली फ्लोरोस्कोपी, तो उसको हम आज कवर कर लेते हैं, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो रिविजन लेक्चर्स ही होंगे, ठीक है बच्चों? और इसके अलावा आपकी क्लास पार्टिसिपेशन को मैंने कहा था कि हम क्विज में कर लेंगे, ठीक है? तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक दफा डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह उसको लेके जाना है, ठीक है? और इसके अलावा आपकी एक स्पॉटिंग है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जो मिड टर्म के बाद वाली क्लास है उसमें फिर हम एक क्लास रख लेंगे जिसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी प्रैक्टिकल स्पॉटिंग का, बिकॉज स्पॉटिंग भी आपका जो है वो मतलब एज अ प्रैक्टिकल होगा या एज एग्जाम ही कंडक्ट होगा, तो वो फिर उसको हम एक दफा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मिड टर्म में आप सब बच्चों ने स्लाइसिस की बहुत ज्यादा जो थी वो टेंशन ली हुई थी। ओके सो एनीवेज, फ्लोरोस्कोपी से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्लोरोस्कोपी?
The fluoroscopy procedure is an imaging technique that gathers real image moving, real time moving image using a fluoroscope of internal structures of patients. Okay, so बच्चों fluoroscopy में basically क्या होता है, ये आप जो है वो real time moving images ले रहे होते हैं. इसका क्या मतलब है कि आपको ये जो है वो बॉडी के अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं वो इसके अंदर जो है वो आपको आप उसको फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, मतलब बेसिकली बॉडी के फंक्शंस को जो है वो हम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं और आपको एक लाइव जो है वो मूविंग और एक डायनेमिक इमेज जो है वो फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है वो पेशेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनका हमारे पास मिल रहा होता है. अगर आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्शन टू द रेडियोलॉजी पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फ्लोरोस्कोपी और जो प्लेन रेडियोग्राफ्स हैं उसमें यही डिफरेंस है कि फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास एक डायनेमिक इमेज आता है. ठीक है, जबकि रेडियोग्राफ्स हमें क्या देते हैं, एक स्टैटिक इमेज दे रहे होते हैं. ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्लोरोस्कोपी में जो हमारे पास रेज यूज हो रही होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, एक्स रेज ही यूज हो रही होती है. ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये मैंने एक एमसीक्यू भी दिया हुआ था कि अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हर जो मोडेलिटीज हैं डिफरेंट रेडियोलॉजी की जो मोडेलिटीज है उसमें डिफरेंट मोडेलिटीज में कौन कौन सी रेडिएशन जो है वो स्पेसिफिकली यूज हो रही होती है. ठीक है, सीटी में कौन सी हो रही होती है, एक्सरे में कौन सी है, फ्लोरोस्कोपी में कौन सी है, अल्ट्रासाउंड में कौन सी है, इन सब का आपको डिफरेंस जो है वो अब इसका आइडिया होना चाहिए. अगेन या आपके वाइवा एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, सो वी विल डिस्कस, अच्छा जी हम ये नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली लास्ट टू से ही सेक्शन वाला लेक्चर है. वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू द फ्लोरोस्कोपी. ठीक है जी, इसके क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फ्लोरोस्कोपी के, इसका क्या प्रिंसिपल है, जैसे बाकी सारे हमने जो है वो रेडियोलॉजिकल जो मोडेलिटीज हैं उनका प्रिंसिपल पढ़ा था, इसी तरह से फ्लोरोस्कोपी की क्या बेसिक इंडिकेशंस होती है, क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम पेशेंट को फ्लोरोस्कोपी रिकमेंड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जब हम फ्लोरोस्कोपी को प्रेफर नहीं करेंगे और इसके क्या रिस्क एंड कॉस्ट है. ओके, सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लोरोस्कोपी इज टू परफॉर्म द डायनामिक स्टडी. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली लाइन ही ये है जो मैंने अभी आपको बताया है, डायनामिक स्टडीज, यानी कि आप ये डायनामिक इमेज हम इसके अंदर लेंगे, मूविंग इमेज हमें इसके अंदर नजर आएगा, एक लाइव मूविंग चलता हुआ आपको बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर का इमेज जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो नजर आ रहा होगा. विच मीन्स द फ्लोरोस्कोपी इज यूज टू विजुलाइज द मोशन ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड फ्लूइड्स. ठीक है, कि आपकी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो सारे आपको मूव होते नजर आएंगे. जैसे कि अगर हम ब्लड है तो वो हमें मूव होता नजर आएगा. अब बच्चों आपने इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना पेट स्कैन के साथ. ठीक है, जो हमने पढ़ा था बेसिकली न्यूट्रिशन मेडिसिन के अंदर, वो मेटाबॉलिक रेट स्टडी कर रहा होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आ रही होती है, जो टिश्यू के अंदर कंपोजिशन चेंज हो रही होती है वो सारा स्टडी कर रहा होता है. ठीक है, और फ्लोरोस्कोपी क्या करिए कि जो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आपको एक मूविंग इमेज दे रही है और जो फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं उनका एक आपको डायनेमिक इमेज जो है वो दे रही होगी. फ्लोरोस्कोपी प्रोवाइड्स रियल टाइम एंड मूविंग इमेजेस ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, रियल टाइम इमेज का यही मतलब है कि आपका एट द स्पॉट आपको सामने जैसा ही पेशेंट के बॉडी के अंदर का इमेज होगा वो आपको उसी तरह का जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा. द इंसर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रास्ट मीडिया टू हाईलाइट द इंटरनल एनाटॉमी एंड प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स. ठीक है बच्चों, तो जिस तरह हमें बाकी सारी मोडेलिटीज में पढ़ा था कि हम कंट्रास्ट मीडिया जो है वो जरूर यूज करते हैं, हम डाई जरूर यूज करते हैं. ठीक है, क्यों यूज करते हैं हम, जो भी इंटरनल अगर हमें स्ट्रक्चर्स नहीं प्रॉपरली पता चल रहा है, ठीक है, कि क्या है, मजीद उसको विजुअलाइज करने के लिए हम फ्लोरोस्कोपी में भी कोई कंट्रास्ट मीडिया जो है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा हमने अगर कोई प्रोसीजर करना है तो अब आप लोग कैथेटर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो. ठीक है, तो अगर हमें किसी भी बॉडी का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो है वो हार्ट को स्टडी करना है, ठीक है, तो मैं एक जो है वो कैथेटर पास करूंगी विद द हेल्प ऑफ द फ्लोरोस्कोप और फिर हम हार्ट का जो है वो पूरा एक इमेज जो है वो स्टडी कर लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स में आप कैथेटर की मदद से पूरा जो इंटरनल एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स है, उसको जो है वो आप स्टडी कर लेते हो. वंस द कैथेटर इज इन प्लेस द कंट्रास्ट मटीरियल इज इंजेक्टेड थ्रू द कैथेटर इनटू द वेसल एंजियोग्राफी और द बॉडी कैविटी ऑफ द एंट्रास. ठीक है, तो जहां पे कैथेटर पड़ा जाता है उसके बाद फिर अगर हमने यूज करना हो कंट्रास्ट, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं डायग्नोज हो रहा हो तो हम उस एरिया में कंट्रास्ट डाल के यान डाइट डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैथेटर और फिर यहाँ जिस बॉडी कैविटी को हम स्टडी कर रहे हैं और फिर उस स्टडी का आपको एक डाई या कंट्रास्ट इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाता है. समथिंग इज ऑब्जर्व दैट द रेडियोलॉजिस्ट वुड लाइक टू प्रिजर्व फॉर लेटर स्टडी.
रेडियोग्राफिक इमेज कैन बी सेव ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर विच इज कॉल्ड एज द स्पॉट फिल्म. अच्छा बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्पॉट फिल्म क्या होती है, ठीक है, आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉट फिल्म क्या होती है, ठीक है. तो स्पॉट फिल्म क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है सारा. अब मैंने, मुझे लगा कि यहाँ पे ना कोई पेशेंट का जो है वो ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ से ऐसे करके इसका एक स्क्रीन शॉट ले लूंगी, ठीक है. तो वो जो बेसिकली हम एक इमेज का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको बाद में लेटर स्टडी करें कि ये ट्यूमर है या नहीं है, फिर हम इसको मजीद विजुलाइज करके देखेंगे. तो ये बेसिकली क्या होती है, स्पॉट फिल्म होती है, ठीक है. तो आपने याद रखना है कि फ्लोरोस्कोपी में स्पॉट फिल्म जो है वो क्या होती है, ठीक है. जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो, इसी तरह से हम ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर एक जो है वो इमेज सेव कर लेते हैं, और जो सेव करते हैं इमेज के बाद में हम उसको स्टडी करेंगे डिटेल के साथ, और डिटेल के साथ उसको हम कहते हैं स्पॉट फिल्म. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों इसके कंपोनेंट्स, ठीक है जी. कंपोनेंट्स अब आपके पास क्या क्या है फ्लोरोस्कोपी के, जैसे हमने बाकी सबके कंपोनेंट्स पढ़े थे, मेजर कंपोनेंट्स वही हम देख लेते हैं. एक मॉनिटर है जिसपे आपको इसका एक लाइव इमेज डायनामिक हम इमेज नजर आ रहा होता है. एक वीडियो कैमरा है, ऑप्टिकल कपलिंग है जो कि बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कि सारा इमेज क्रिएट करने में हेल्प कर रहे होते हैं. ये इमेज इंटेंसिफायर लगा होता है, एक ग्रिड लगा हुआ है, साथ पेशेंट टेबल है, और अच्छा ये कॉलिमेशन है, ठीक है, रेस की कॉलिमेशन होगी. यहाँ से नीचे एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, उसके नीचे एक्सरे जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है. अच्छा अब इसमें बच्चा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो एक्सरे ट्यूब है, जब आपने, अगर आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था रेडियोग्राफ, ठीक है, तो उसमें एक्सरे ट्यूब आपकी यहाँ पे ऊपर होती है. इसमें सिर्फ ये है कि एक्सरे ट्यूब आपकी कहाँ चली गई है, नीचे चली गई है, ठीक है. तो बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, पेशेंट टेबल है, एक्सरे ट्यूब है, जनरेटर है, कपलिंग मीडिया है, आपके पास इमेज इंटेंसिफायर है, वो सारे जो है वो कॉमन ही है. तो ये बच्चों अब बिकॉज फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको ये सी क्यू आ सकता है जिसमें पूछा जा सकता है कि वट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फ्लोरोस्कोप, ठीक है. तो आपको इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के नाम जो है वो आने चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो है वो आ जाता है इसका फ्लोरोस्कोपिक प्रिंसिपल. अच्छा अब आपको याद होगा जब हमने सीटी स्कैन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सीटी स्कैन जो है वो बेसिकली हमारा किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है. कौन सा बच्चा बताएगा सीटी स्कैन का क्या प्रिंसिपल था? सुनीक अहमद आप बताओ. जी बेटा सुनीक आप क्लास में प्रेजेंट है? एनी वॉलंटियर? ठीक है, तो जिस तरह से हमने उसका प्रिंसिपल पढ़ा था, इस तरह से हम इसका भी प्रिंसिपल अब देख लेते हैं कि फ्लोरोस्कोपी जो है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करी होती है. बहुत डिटेल में बच्चों हम नहीं जाएंगे इसमें, आप सिर्फ दो बातें याद रखें, एक है फाइबर ऑप्टिक्स और एक है इसके अंदर लेंस सिस्टम. ठीक है, ये दो नाम आपने याद रखने हैं कि इसमें एक फाइबर ऑप्टिक्स होता है जो कि बेसिकली आपको आपके इमेज को, ये जहाँ पे ये अभी हमने देखा था ये लगा हुआ था, ये था हमारे पास फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, ये ऑप्टिक या कपलिंग मीडिया जो था बेसिकली, ये आपके इमेज को इंटेंसिफाई करके मॉनिटर के ऊपर शो करने पे हेल्प कर रहा होता है फाइबर ऑप्टिक. ठीक है, तो एक इसका ये होता है हमारे पास इसके बेसिक प्रिंसिपल में, और सेकंड है हमारे पास लेंस सिस्टम. ठीक है जी, लेंस सिस्टम उसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको जो कैमरा में बेसिकली लेंस लगा हुआ है और जो कि हमें इमेज जो है वो शो करवा रहा है. ठीक है, जो कि इमेज को इंटेंसिफाई करने में हेल्प कर रहा है, दैट आर बेसिकली द फाइबर ऑप्टिक्स. और जो लेंस सिस्टम है वो बेसिकली आपके इमेज को जो है वो मॉनिटर पे शो कर रहा होता है. सो इसका अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता है कि इसका बेसिकली हमारे पास क्या प्रिंसिपल है, तो आप कहेंगे कि इसमें दो हमारे पास जो है वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके प्रिंसिपल में. एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स इमेज आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक होता है लेंस सिस्टम जो कि इमेज को आपको मॉनिटर पे शो करने में हेल्प कर रहा होता है. ठीक है, और उसके अलावा इसमें हमारे पास यूज जो हो रही होती है वो बेसिकली एक्सरेज यूज हो रही होती है, और एक्सरे जनरेटर जो है वो इसके अंदर लगा हुआ होता है. ओके, अच्छा जी बच्चों कंपोनेंट्स हो गए, इसका प्रिंसिपल हो गया. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी मेजर एप्लीकेशन जो है वो आपके पास क्या क्या है. ठीक है, वेरियंस वॉलोज में, मील्स एंड एनिमास में हम इसको यूज कर सकते हैं, पोजीशनिंग ऑफ थिंग्स इन थिएटर. अच्छा ये अब आपके उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि हमने जब ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स जो है वो अगर कोई परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, कोई आपने पेशेंट के अंदर जो है वो नेल डालना है, कोई फ्रैक्चर हो गया कहीं पे, नेल हमने इंसर्ट करना है, कोई प्लेट्स चल रही है वहाँ पे, तो अगर हमने देखना है कि उसकी पोजीशन प्रॉपर है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो हम फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से बड़े आसानी से जो है वो देख सकते हैं. ठीक है, और वो प्रोसीजर आपका फिर जो है वो प्रॉपर जगह पे जो है वो प्लेट या नेल जो भी हमने डालना है वो डल जाएगा. इसी तरह से ब्रैकीथेरेपी, रेडियो एक्टिव सोर्सेज, ठीक है,
कि आपने अगर कहीं पे भी कोई बॉडी में कोई रेडियो एक्टिव जो है वो मटेरियल इंसर्ट करना है तो उसको भी आप फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से जो है वो क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें हमने एंजियोग्राफी पढ़ा था। ठीक है, तो एंजियोग्राफी में क्या था, एंजियोग्राफी में बेसिकली ये था कि आपने किस तरह से हार्ट का सारे वेसल्स को और उसके सिस्टम को, स्ट्रक्चर को जो है वो हमने स्टडी किया था और एंजियोग्राम ने हमें उसको शो किया था। ठीक है, तो वो जो बेसिकली आपको पास एंजियोग्राम शो कर रहा है, इसी तरह से आप फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से भी वो सारा प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो एक इसका हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स में मेजर रोल हो गया। सेकेंड आपका किसमें है, इसमें कार्डियोलॉजी में है। अब कार्डियोलॉजी में जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कार्डिक कैथेटराइजेशन, ठीक है, हम कैथेटर से जो है वो कंट्रास्ट डाल सकते हैं और फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से पूरा हार्ट जो है वो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इमेज बीटिंग हार्ट एंड सराउंडिंग वेसल्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट हार्ट डिजीजेस। ठीक है, कि आपने देखना है कि हार्ट में कहीं पे कोई वेसल में कोई ब्लॉकेज है, कोई क्लॉट पड़ा हुआ है, या इवन हमने देखना है कि हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, बीटिंग हार्ट भी अगर आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आसानी से आपके पास फ्लोरोस्कोपी जो है वो एक लाइव रियल टाइम इमेज जो है वो आपको शो कर देगी। नेक्स्ट बच्चों इसमें आ रहा था हमारे पास वास्कुलर। वास्कुलर में डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी टू डायग्नोज ब्लॉकेजेस इन द ब्लड वेसल्स। इंटरवेंशनल में अनब्लॉक एंड इंसर्ट स्टंट। अच्छा, अब वास्कुलर में जैसे हमने बाकी सारी रेडियोलॉजी में पढ़ा था कि बहुत सारी जो टेक्निक्स थी या बहुत सारी मोडेलिटीज थी वो एट द सेम टाइम डायग्नोस्टिक एंड एट द सेम टाइम वो जो है वो इंटरवेंशनल पर्पज के लिए आप यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी आप जो है वो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पोजिशनिंग कर रहे थे ऑर्थोपेडिक में किसी प्रोसीजर के लिए, कोई प्लेसमेंट कर रहे थे तो भी हमने फ्लोरोस्कोपी यूज कर ली, कार्डिक कैथेटराइजेशन भी हमने फ्लोरोस्कोपी यूज कर ली। ठीक है, और अगर हमने कहीं पे कोई स्टंट डालना है तो भी हमें फ्लोरोस्कोपी जो है वो हेल्प कर सकती है कि हम स्टंट जो है वो अपनी प्रॉपर जगह पे प्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है वो हमने देखना है तो वो भी हमें फ्लोरोस्कोपी जो है वो आपके मॉनिटर के ऊपर एक इमेज जो है वो शो कर देगी। ओके, सो ये बच्चों इसका मेजर एप्लीकेशन है। आप लोग जो ज्यादा याद रखें वो रखें कि ऑर्थोपेडिक्स में क्या रोल है, कार्डियोलॉजी में क्या रोल है और वास्कुलर में क्या रोल है। ठीक है, जब आपसे एप्लीकेशन पूछी जाए तो आप इस तरह से तीन बताएं, ऑर्थोपेडिक्स में, कार्डियोलॉजी में और वास्कुलर में। बच्चों स्पीड ज्यादा तो नहीं है, अगर किसी बच्चों को कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हो गया इसका बच्चों इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने, उसके बाद इसका प्रिंसिपल हो गया एंड देन वी स्टडी द एप्लीकेशन। अब इसका हम देख लेते हैं बच्चों के इंडिकेशंस क्या है। ठीक है, अब अगेन जैसे आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे मिड टर्म में कि मैम इंडिकेशंस जो है वो मिक्स हो जाती हैं, और आपको मैंने एक एनसीक्यू दिया हुआ था दैट वॉज कि अगर हमें नी के एक्सरे, अगर कोई पेशेंट की एक्यूट नी की इंजरी हो जाती है तो हम कब एक्सरे जो है वो इंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो जरा मुझे बताएं आप लोगों ने क्या आंसर लगाया है। वर्दा लियाकत, कोई बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं है, लॉग इन किया हुआ आप लोगों ने, सिर्फ हैंड रेज करके बताएं। नहीं मैम, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अच्छा चलिए बताएं फिर, नदीम आप बताएं। मैम वो 90 लगाया था। हाँ 90 था उसका आंसर, शाबाश। ठीक है, तो बच्चे देखिए अब वो था कि अगर पेशेंट एक रेंज तक नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि इंडिकेशंस में कुछ जो है वो स्पेसिफाइड इंडिकेशंस भी होती हैं। ठीक है ना, अब आपने नी की काफी सारी इंडिकेशन पढ़ी थी लेकिन ये एक स्पेसिफिक इंडिकेशन थी नी के एक्सरे के लिए। तो इसी तरह से जो कॉमन इंडिकेशंस है वो तो ठीक है, बट जो डिफरेंट इंडिकेशन होती है उसमें आप लोग जरूर देखा करें कि एक कौन सी इंडिकेशन है जो कि स्पेसिफिकली इस प्रोसीजर के लिए जो है वो लिखी गई है। सो फ्लोरोस्कोपी इज यूज इन मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर्स एंड ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स सच एज मैनिपुलेशन ऑफ ब्रोकन बोन्स इन फ्रैक्चर रिडक्शन और इंसर्शन ऑफ इम्प्लांट एंड चेकिंग एप्रोप्रिएट पोजिशनिंग और अलाइनमेंट सच एज बीनियम एक्सरे स्टडीज, कार्डिक कैथेटराइजेशन, आर्थ्रोग्राफी, विजुअलाइजेशन ऑफ अ जॉइंट और जॉइंट। ओके, सो एंजियोग्राफी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट नाम है दैट इज आर्थ्रोग्राफी। आर्थ्रो क्या होता है, जॉइंट, और ग्राफी उसकी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब ये आपका बच्चों यहाँ पे ये देखें एक एमसीक्यू बन सकता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ अ जॉइंट जो है वो क्या होता है। तो अब आप इसको एंजियोग्राफी ना कर दीजिएगा, दिस इज बेसिकली द आर्थोग्राफी। सो हमें फ्लोरोस्कोपी किस में हेल्प करी है, आर्थोग्राफी में हेल्प करी है। ठीक है, हम जॉइंट्स को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक इमेज मैंने अटैच किया हुआ है। ठीक है, और ये देखें ये हमारे पास बेसिकली हमने जो है वो कोई भी कैथेटर वगैरह डाला, यहाँ पे हमने इसे कंट्रास्ट इंजेक्ट किया और ये कंट्रास्ट के साथ आपके पास एक फ्लोरोस्कोपिक इमेज जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल देखना था ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है, बताएं जरा आप लोगों की तो एनाटॉमी बड़ी वीक है।
कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताएं, शाबाश, आप बताएं। नुमान प्रेजेंट है ना क्लास में? नुमान मैम हिप जॉइंट है। हाँ जी हिप जॉइंट है। आप लोग बच्चों एक्चुअली मेजर मेजर पॉइंट्स आप लोगों को आते नहीं है, तो जरा देख लिया करें, एनाटॉमी थोड़ी सी रिवाइज करें। एनीवेज अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि नेक ऑफ द फीमेल का फ्रैक्चर हुआ हुआ था और हमने उसको स्टडी करना था, तो बड़े इजीली हमें कंट्रास्ट डाल के हमें इस तरह से फ्लोरोस्कोपी से इमेज देखा और हमें ये नजर आ जाएगा। सो जहाँ पे हमने कोई फ्रैक्चर है उसको आप देख सकते हैं, हमने रिडक्शन करनी है फ्रैक्चर के बाद, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन हमने कोई करनी है, वहाँ पे कोई स्टंट डालना है, ठीक है, कोई आपने वहाँ पे इम्प्लांट करना है किसी भी, तो जो है वो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कार्डिक कैटराइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब ये आपसे अगर फ्लोरोस्कोपी के इंडिकेशन पूछी जाए तो आपने ये जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं ये सारे आपने बताने हैं। ओके नेक्स्ट, लंबर पंक्चर, प्लेसमेंट ऑफ आईवी कैथेटर, हॉलो ट्यूब इंसर्टेड इनटू द वेन्स और आर्टरी, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने अगर कभी देखा हो जब हम पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे तो ये होता है कि एक सिंपल एनेस्थीसिया वाला जो है वो सर्जन आके पेशेंट को आईवी दे देता है और एनेस्थीसिया हम लगा देते हैं, ठीक है, एलटीएल 4G लेवल पे। लेकिन कुछ जगहों पे इस तरह भी होता है कि यहाँ जब आप अभी प्रैक्टिस में होते हैं, सीख रहे होते हैं, अभी आप एक्सपर्टाइज नहीं होते, तो तब आप फ्लोरोस्कोपी के हेल्प से भी देख सकते हैं कि हम जो है वो अगर पेशेंट को आईवी लगाने लगे हैं, ठीक है, तो हम एग्जैक्ट जगह पे उसको प्लेस कर रहे हैं या नहीं प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। या अगर हमें लंबर पंक्चर करना है और वहां से हमने फ्लूड लेना है, सीएसएफ की एग्जामिनेशन करनी है, तो वो भी एग्जैक्ट लोकेशन पे आप उसका पंक्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वहां डैमेज हो जाएगा तो आप फिर स्पाइन के लिए जो है वो रिस्की हो सकता है। सो अगेन फ्लोरोस्कोपी आपको लंबर पंक्चर में भी हेल्प कर रही है, आईवी कैथेटर्स डालने के लिए भी हेल्प कर रही है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी हेल्प कर सकती है। फ्लोरोस्कोपी मे बी यूज अलोन एज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और मे बी यूज इन कंजक्शन विद अदर डायग्नोस्टिक और थेरेपिटिक मीडिया और प्रोसीजर्स, ठीक है। तो फ्लोरोस्कोपी जैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया है, बाकी सारे प्रोसीजर्स की तरह इसको हम डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, इनके खाली डायग्नोसिस बनाने के लिए भी यूज करते हैं। हमने देखना है कि जी फ्रैक्चर हुआ हुआ है, हमने वहाँ पे कंट्रास्ट डाला और देख लिया, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं कि एट द सेम टाइम आपने वहाँ देख लिया कि फ्रैक्चर है और अब हमने यहाँ पे नील डालना है, ठीक है, तो हमने किस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर नील डालना है वो भी आपको फ्लोरोस्कोपी दिखा देगी। सो एट द सेम टाइम डायग्नोस्टिक भी हो गया और एट द सेम टाइम भी हमारे पास इसने थेरापिटिक के लिए जो भी है हेल्प कर दिया। ओके इन बेरियम एक्सरेज फ्लोरोस्कोपी यूज अलोन अलाउज द डॉक्टर टू सी द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन एज द बेरियम मूव्स थ्रू देम एंड अलाउज द डॉक्टर टू पोजीशन द पेशेंट फॉर स्पॉट इमेजिंग। अच्छा जी, अब इसमें अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हमने बीरियम जो है वो यूज किया हुआ है फ्लोरोस्कोपी में एज अ कंट्रास्ट मीडियम, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरी जो है वो पेशेंट के इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है वो उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और हमें लग रहा है कि जी यहाँ पे कोई पॉलिप जो है वो पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये कोई पॉलिप जो है वो पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी इसकी पूरी अब हमने स्टडी कर ली, अब हम इसका जो है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया स्क्रीनशॉट या स्पॉट इमेज ले लेंगे और फिर इसको मजीद जो है वो स्टडी कर लेंगे विजुलाइज करके कि यहाँ पे जो है वो ये कौन सा टिश्यू जो है बेसिकली जिसने ब्लॉकेज किया हुआ है। ओके नेक्स्ट जो है वो कार्डिक कैथेटराइजेशन जो कि भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लोरोस्कोपी इज यूज्ड इज एन एजेंट टू इनेबल द डॉक्टर टू सी द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज इन ऑर्डर टू इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ द आर्टेरियल ब्लॉकेजेस, ठीक है बच्चों। अभी हम पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी एक कैथेटर को जो है जो बॉडी में इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो अब हमने उस कैथेटर की पोजीशन भी देखनी है अगर कि वो प्रॉपर हम डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं उसको, ठीक है, और वो हार्ट तक जो जा रहा है तो उसको फिर हमें फ्लोरोस्कोपी हेल्प करेगी उस कैथेटर को वहां से पास करने के लिए कार्डिक एरिया तक, ठीक है। अब फिर हम वहां देख लेंगे कि कोरोनरी आर्टरीज में कहां पे कोई ब्लॉकेज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, फैट डिपॉजिट है या जो भी है, और एट द सेम टाइम अगर हमने वहां पे पेशेंट की जो है उसको रिमूव करना होगा, एंजियोप्लास्टी करनी होगी, तो फिर हम वहां पे जो है वो स्टंट भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज है और बेसिकली उन्होंने आपको दिखाया है कि किस तरह से एक हमें फ्लोरोस्कोपी का जो है वो एक इमेज जो है वो नजर आ जाता है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये ब्लॉकेज हुआ हुआ है जो ब्लैक ब्लैक है, हम कहते हैं कि ये जो है वो कोई क्लॉट डिपॉजिट हुआ हुआ है पेशेंट का या ये कोई जो है वो ब्लॉकेज हुआ हुआ है, ठीक है, तो फिर आप इसका स्पॉट इमेज भी ले सकते हैं और इस तरह इसको जो है वो लाइव इमेज में भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं।
For intravenous catheter insertion, fluoroscopy assists the doctor in guiding the catheter into the specific location inside the body. ठीक है बच्चों, ये अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमने कैथेटर डालना है, क्योंकि हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट मैंने आपको टूल्स बताए थे आईआर के, और उसमें हमने कैथेटर्स पढ़े थे, वास्कुलर शीट्स पढ़ी थी, कॉइल्स पढ़ी थी, बहुत सारे और भी पढ़े थे, ठीक है। उन सारे को भी अगर आपने बॉडी में जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन पे जब हमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ से फेमरल एरिया से जो है वो इसको इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने आपको लास्ट पढ़ाई थी तो उसमें भी एंडोस्कोपी वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर तीन एरिया हम जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं, फेमरल कर रहे होते हैं, एक्सिलरी कर रहे होते हैं या ब्रेकियल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने हार्ट को स्टडी करना है और हम इन तीन एरियाज को प्रेफर कर रहे हैं तो हार्ट से इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है कि कैथेटर जो है वो यहाँ से हार्ट तक एग्जैक्ट लोकेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां तक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आपको फ्लोरोस्कोपी जो है वो आप उसके अंडर फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन पेशेंट का जो है वो कैथेटर पास कर लेंगे। जब पेशेंट का कैथेटर वहां में पहुंच जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि जब कैथेटर चला गया, अब आपने अगर कंट्रास्ट डालना है तो कंट्रास्ट डाल दें, अगर आपने वहां पे जो है वो कैथेटर डालना है तो आप कोई और टूल इंसर्ट करके वहां पे जो है वो जो है वो जो भी स्टंट डालना है स्टंट डाल दें, वहां पे आपने कोई कॉयल डालनी तो कॉयल डाल दें। तो इस तरह से कार्डिक कैथेटराइजेशन में भी आपको जो है वो फ्लोरोस्कोपी हेल्प कर रही होगी, ठीक है बच्चों। तो एक कार्डिक कैथेटराइजेशन भी होगी हमारे पास इसकी, ठीक है, एक सिंपल कोई भी कैथेटराइजेशन है, आपने बॉडी में कहीं पे भी कोई कैथेटर डालना है उसमें फ्लोरोस्कोपी हेल्प कर रही है। फिर इसी तरह से आपने बॉडी के किसी भी इंटरनल एरिया का किसी भी कैविटी को स्टडी करना है, वहां पे जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे मैंने आपको बताया बेरियम एक्सरेज है, और उसके अलावा लंबर पंक्चर में इंपॉर्टेंट है, और एक और हमने किसमें पढ़ा है ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स, ठीक है। आपका ज्यादातर इंट्रैक्शन जो है बीइंग का डीपीडी या बीइंग का फिजियोथेरेपिस्ट, आपका जो है वो ये ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में ज्यादा इसका जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। जो हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, स्पेशली जो आपकी ओटीज होती हैं ऑर्थोपेडिक की, उसमें इसका हम जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट जो है वो बच्चों इसमें हमारे पास आ जाता है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं वो आपने देख लिए, क्या क्या इसके जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल बेसिक है, जैसे मैंने आपको दो बताए हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है एंड लेंस है, क्या इसकी बेसिक इंडिकेशन है आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी हमारे पास कंडीशन है जिसमें हम फ्लोरोस्कोपी को जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है वो कंसिडर करेंगे। इफ अ पेशेंट हैड मेनी एक्सरे CT or fluoroscopic procedures, number of X-ray examinations and or treatment over a long period of time may have some associated risk. ठीक है बच्चों, तो अब आपको बताएं कि एक्सरे इटसेल्फ में भी एक्सरेज ही यूज हो रही है, सीटी में भी हमारे पास एक्सरेज ही यूज हो रही होती है, और फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास एक्सरेज ही यूज हो रही है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिसने जो है वो पास्ट कुछ डेज में हमें लगता है कि एक्सरेज भी करा लिए, एक दो सीटी भी एग्जामिनेशन वो करवा चुका है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे फ्लोरोस्कोपी नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपका पेपर में भी क्वेश्चन था कि एक्स रेज आपको बताया आयनाइजिंग रेडिएशन हैं, दे आर हार्मफुल टू द बॉडी, ठीक है, आपके टिश्यूज को जाके डैमेज कर देंगी, आपका जेनेटिक मटीरियल डैमेज हो जाता है, तो इसलिए हम इतनी ज्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन बॉडी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट ऑलरेडी आयनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज हो चुका है तो आप फिर क्या करोगे, उसको फ्लोरोस्कोपी हम प्रेफर नहीं कर रहे होते, उसके अलावा फिर हम किसी और जो रेडियोलॉजी की मोडेलिटी है या टेक्निक है उसको हम वहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो एक तो ये हो गया, नेक्स्ट इन प्रेगनेंसी फ्लोरोस्कोप एग्जाम शुड बी अवॉइडेड, रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे लीड टू द बर्थ डिफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सबसे ज्यादा तो हम अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ होता है, कंटिन्यूसली पेशेंट जो है वो अपनी एग्जामिनेशन इसके थ्रू करा रहा होता है। अगर आप जो है वो प्रेगनेंसी में हम पेशेंट को फ्लोरोस्कोपी दे देंगे तो अगेन आयनाइजिंग रेडिएशन है वो पेशेंट के जो फीटस है उसके लिए कोई भी बर्थ डिफेक्ट जो है वो कॉज कर सकते हैं। ओके, आपने अगर कभी शायद सुना हो या ना सुना, कुछ एरियाज जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं हमारे, जहाँ पे इतने ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होती हैं, और जहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह काम कर रही होती हैं और यही डिलीवरीज कर रही होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो कोई गलत रेफर हो जाए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन की पड़ी हुई और वो पेशेंट का अगर कर दें एग्जामिनेशन, ठीक है, और वहाँ पे फिर फीटस इफेक्ट हो जाए तो फिर हमारे पास इस तरह से बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सेकेंडली,
Third, patients who are allergic to or sensitive to the medications, contrast media or iodinated contrast should notify their doctor. ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया कि यूजली हम फ्लोरोस्कोपी के अंदर साथ कंट्रास्ट मीडिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या आपको डाई इंजेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हमें ऐसे लगता है कि जो भी हम कंट्रास्ट डाल रहे हैं या मीडिया हम यूज करना चाह रहे हैं वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, या पेशेंट उससे एलर्जिक हो सकता है, रिस्की हो सकता है पेशेंट के लिए, तो फिर हम जो है वो इसको प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं. पेशेंट विद किडनी फेलियर और अदर किडनी प्रॉब्लम शुड नोटिफाई देयर डॉक्टर. ठीक है, अगर पेशेंट को कोई किडनी फेलियर है तो भी हम उसको जो है वो ये प्रेफर नहीं कर रहे होते. पेशेंट विद किडनी फेलियर और अदर प्रॉब्लम शुड नोटिफाई डॉक्टर. सही डबल हो गया. लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं है या उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो हमें लगता है कि प्रॉपर नहीं है, तब भी हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन को. समटाइम पेशेंट साइज, ठीक है, अगर पेशेंट हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा ओबीज है, ठीक है, तो भी आपको पता है कि उसके साथ साथ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और अगर हमें कंट्रास्ट यूज करना पड़ा तो पेशेंट के साथ और कोई रिस्क जो है वो हो सकता है. तो अगेन बहुत ज़्यादा ओबीज पेशेंट में आपको प्रेफर नहीं करेंगे. रीसेंट हिप और पेल्विस फ्रैक्चर, ठीक है, अगर हमें लगता है कि पेशेंट का कोई अभी रिसेंटली फ्रैक्चर हुआ है तो भी आप इसको प्रेफर नहीं करेंगे. अगेन वही बात आ जाती है, अगर आप यहाँ पे सोचें कि अभी फ्रैक्चर होता है बच्चों जब, तो डेफिनेटली एक्सरे जरूर होता है, ठीक है. तो देखिए वही जो बात हमने अभी ऊपर यहाँ पढ़ी थी कि अगर पेशेंट एक्सरे करवा चुका है तो फिर हम फ्लोरोस्कोपी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बिकॉज पहले ही बॉडी आयनाइजिंग रेडिएशन को जो है वो एक्सपोज हो चुकी होती है, ठीक है. तो इसी तरह से अगर फ्रैक्चर हुआ होगा, डेफिनेटली एक्सरे हुआ होगा, तो ऑलरेडी बॉडी जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन को एक्सपोज हो चुकी है. हाँ, इन केस ऑफ रीसेंट एसोफेजियल और गैस्ट्रिक सर्जरी, वेरियम शुड बी अवॉइडेड एंड गैस्ट्रोग्राफिन इज मोर सेफर ऑल्टरनेटिव. ठीक है जी, अगर आप पेशेंट की कोई अपर जीआईटी ट्रैक में एसोफेगस की या कोई अपर जीआईटी की सर्जरी जो है वो पेशेंट की हुई है, तो हम जो वेरियम जो कि मोस्ट कॉमनली हम कंट्रास्ट फ्लोरोस्कोपी में यूज कर रहे होते हैं, उसको हम नहीं प्रेफर करते. वो कोई पेशेंट के लिए जो है वो रिस्क फैक्टर क्रिएट कर सकता है, उसकी जगह हम गैस्ट्रोग्राफिन जो है वो यूज करते हैं. अगेन बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम के फ्लोरोस्कोपी में सबसे ज्यादा आप कौन सा कॉमन डाई यूज करते हैं, और अगर पेशेंट की कोई इसोफेजियल सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, तो आप बेरियम को प्रेफर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है. तो ये आपने इस तरह से याद रखना है. ओके, एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिजाइन, रिमोट फ्लोरोस्कोपी सिस्टम एंड वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. अच्छा, अब ये है कि बच्चों जिस तरह से इसकी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने फ्लोरोस्कोपी मशीन जो है या जो इक्विपमेंट है उसका डिज़ाइन इस तरह से जो है वो उसकी बेस पे हमने इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. एक है रिमोट और एक है वास्कुलर और इंटरवेंशनल. रिमोट फ्लोरोस्कोपी सिस्टम आर कॉमनली यूज फॉर जीआईटी प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग बेरियम स्वालो, बेरियम एनेमा एग्जामिनेशन, एंड यूटिलाइज अ कॉन्फिगरेशन विद एक्सरे ट्यूब लोकेटेड अबव द टेबल एंड द इमेज इंटेंसिफायर असेंबली बिलो द टेबल. अच्छा, अब ये आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था अभी शुरू में कि इसमें फ्लोरोस्कोपी में आपके पास जो एक्सरे ट्यूब है वो कहाँ पे लगी होगी, पेशेंट टेबल के जो है वो नीचे अटैच हुई होगी, ठीक है, और साथ जो इमेज इंटेंसिफायर है वो उसके टेबल के साथ नीचे अटैच हुआ होगा, ठीक है, जबकि रेडियोग्राफ में ये ऊपर होता है. सो एक तो आप रिमोट फ्लोरोस्कोपी में हम ज्यादातर प्रेफर कर रहे होते हैं जीआईटी स्टडीज को, ठीक है. इसके अलावा द सिस्टम कैन बी रोटेटेड टू अचीव अदर नेसेसरी प्रोजेक्शंस और टू डिस्ट्रीब्यूट कंट्रास्ट एजेंट विद इन अ पेशेंट. It can also be configured vertically for seated examination such as the barium swallow. So barium जो है यानी कि आप patient को IV inject करके भी contrast लगा सकते हैं, ठीक है, और आप patient को उसको swallow भी करवा सकते हैं, ठीक है. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि contrast जरूरी नहीं है कि आपने inject ही करना है, IV में लग सकता है, inject कर सकते हैं, patient उसको inhale कर सकता है, उसको swallow कर सकता है. सो एक जो रिमोट फ्लोरोस्कोपी है उसका हमारे पास क्या फायदा है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और अगर हमने पेशेंट का जो कंट्रास्ट डाला हुआ है उसको पेशेंट के डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह से ये आपके पास वेरियम सॉरी रिमोट फ्लोरोस्कोपी की जो है वो मशीन होती है, ठीक है. ये पेशेंट टेबल है और ये सारे साथ जो है वो इसकी मशीन अटैच हुई हुई है, ठीक है, और अब आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपने पेशेंट का कंट्रास्ट जो है वो उसको मूव करना है, बिकॉज हमें लाइव एक डायनामिक इमेज जो है वो सामने रियल टाइम इमेज जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है. तो हम जैसे जैसे पेशेंट को मूव करेंगे साथ साथ उसका कंट्रास्ट मूव करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने मजीद पेशेंट की जो है वो क्या पोजिशन बनानी है, ठीक है. और साथ इसमें चूंकि एक्सरे जनरेटर अटैच है आपके पास जो है वो साथ साथ इमेज जो है वो बनता जा रहा है, तो हमें प्रॉपर जो है वो उसकी पेशेंट की इंटरनल स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन जो है वो आती जाएगी.
ओके नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या है, देयर आर डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस इन द यूज ऑफ द रिमोट फ्लोरोस्कोपी रूम्स नेमली रिलेटेड टू रेडिएशन सेफ्टी एंड एज एक्सपोजर टू द ऑपरेटर एंड टेक्निकल स्टाफ टू स्ट्रे रेडिएशन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. However, remote fluoroscopy rooms are more expensive than conventional rooms and are often unsuitable for young patients who require close supervision. अच्छा, इसमें एक तो जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, ये रिमोट है, इसमें एक तो रिमोट है और एक सिंपल जो जिसको हम कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास ये वाला एडवांटेज नहीं होता. ठीक है, ये जो टिल्टिंग वाला एडवांटेज है ये नहीं होता, जिसमें आप कंट्रास्ट जो है वो उसको पेशेंट के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों है. जो रिमोट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिकॉज ये जो है वो ज्यादा एडवांस है, और जो कन्वेंशनल है जो कि हम पुराना यूज करते रहे हैं वो जो है वो इतनी ज्यादा अब यूज नहीं होती है. ठीक है, तो रिमोट को हम ज्यादा जो है वो अब प्रेफर कर रहे होते हैं, बट कन्वेंशनल रूम्स और ज्यादा जो है वो हम यंग पेशेंट के लिए जो है वो उसको ज्यादा सुटेबल करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि जब जैसे ये रिमोट जैसे ये मूव नहीं करेगा का टेबल, तो पेशेंट को आप ज्यादा अच्छे से जो है वो सुपरवाइज कर सकेंगे. ठीक है, अगर ये मूव करेगा तो आपको जो है वो साथ पेशेंट को इतनी ज्यादा अच्छी सुपरविजन जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट की नहीं हो सकेगी. ओके, द डोज टू इंडिविजुअल्स रिमेनिंग इन द रूम विद अ डिफिकल्ट पेशेंट कैन बी मच ग्रेटर देन द डोज इन अ कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी रूम ओइंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्स-रे ट्यूब एंड एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेडिएशन शील्डिंग. अच्छा, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कन्वेंशनल जो है वो हम यंग के लिए ज्यादा जो है वो सुटेबल नहीं होती. इसके अलावा क्या है कि डोज भी जो है वो उसका डिफरेंस है. ठीक है, कि जो आपके पास कन्वेंशनल है उसमें हमारे पास डोज जो है वो ज्यादा होती है, और जो रिमोट है उसमें हमें डोज जो है वो कम करनी पड़ती है. तो बच्चों, आपको वैसे इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये भी याद रख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिजाइन या फ्लोरोस्कोपी की कौन सी हमारे पास डोज स्पेसिफिक डिजाइन जो है वो हम यूज करें. ठीक है, एक हम रिमोट फ्लोरोस्कोपी यूज कर रहे हैं और एक जो है वो हमारे पास दूसरी होती है, दैट इज बेसिकली द सी आर्म फ्लोरोस्कोप. ठीक है, जो कि ज्यादातर आप इन आईआर में भी यूज कर सकते हैं. वास्कुलर एंड आईआर प्रोसीजर्स आर यूजली परफॉर्म्ड इन एंजियोग्राफिक ट्यूब्स इक्विप्ड विद सी आर्म फ्लोरोस्कोप. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईआर में भी हम उसको यूज करते हैं, और वो सी आर्म फ्लोरोस्कोप होती है जो कि इस तरह की होती है. ठीक है, ये सी आर्म फ्लोरोस्कोपी है, बाकी सारा कुछ वही है. आपके पास कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, पेशेंट का टेबल है, एक्सरे सोर्स है, इसमें मॉनिटर साथ अटैच हुआ है, इमेज इंटेंसिफायर है आपके पास. ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल कपलिंग होगी, साथ इसके अंदर लेंस भी अटैच हुआ होगा. ये इसकी शेप जो है वो स्पेसिफिकली इस तरह की है. ठीक है, इसमें आप उसमें जो रिमोट था उसमें पेशेंट का टेबल टिल्ट कर रहा था, इसमें जो है वो क्या होगा कि ये सी आर्म जो है वो पेशेंट के जो है वो सराउंडिंग में रोटेट कर रहा होगा, और डिफरेंट जो है वो एंगल से पेशेंट का इमेज आपको मॉनिटर के ऊपर शो कर रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली सी आर्म फ्लोरोस्कोप कंप्राइजेस अ मैकेनिकली कपल्ड एक्सरे ट्यूब विद इमेज रिसेप्टर. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सरे ट्यूब भी है, इमेज इंटेंसिफायर भी है, या इमेज रिसेप्टर लगा होता है. द एक्सरे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर रोटेट अबाउट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड एज आइसोसेंटर, दैट रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू व्हेन द सी आर्म इज रोटेटेड. ठीक है, ये आपकी एक्सरे ट्यूब है, ये अटैच हुई हुई है. ठीक है, अब ये आपका जो सी आर्म है ये रोटेट करेगा पेशेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, जहां जहां क्योंकि इमेज आपको नजर आ रहा होगा, जैसे जैसे आपने जहां जिस एरिया को लेना होगा, फिर आपकी आर्म को जो है वो मूव करेंगे और उसका इमेज जो है वो आपको नजर आ जाएगा. वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल ट्यूब्स आर इक्विप्ड विद मोर पावरफुल जनरेटर्स विद हाई हीट कैपेसिटी एंड वाटर और ऑयल कूल्ड एक्सरे ट्यूब्स. अच्छा, अभी एक्सरे ट्यूब जो है वो फिर इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंटरवेंशनल स्टडी जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें आपने फ्लोरोस्कोपी को यूज करना है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक्सरे ट्यूब जो है वो क्या करते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं. तो इसमें आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही याद भी रख लें अगर कि जो हमारे पास दो तरह की फ्लोरोस्कोपी जो है वो ज्यादातर आप स्पेसिफिकली इसकी एप्लीकेशन हम यूज करें, एक है रिमोट फ्लोरोस्कोपी है, ठीक है, और एक कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी है, और इसके अलावा एक जो है वो हमारे पास सी आर्म फ्लोरोस्कोपी की दैट्स इट. ओके, अच्छा, इसका अब ये कार्डियोलॉजी में आई थी मैंने अलग से डाला हुआ है. इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सूट आल्सो यूज सी आर्म फ्लोरोस्कोप फॉर ईज ऑफ पोजीशनिंग एट अ वैरायटी ऑफ एंगल्स अराउंड द पेशेंट. ठीक है, तो आप जो सी आर्म है इसका ज्यादातर यूज हमारा जो कार्डियोलॉजी है इसमें हम यूज करते हैं. हमने पेशेंट की पोजीशन अगर जो है वो मेंटेन रखनी हो, या डिफरेंट पेशेंट की पोजीशन हमने जो है वो मेंटेन करनी हो, या डिफरेंट एंगल से पेशेंट को जो है वो हमने उसका इमेज लेना हो. कार्डियोलॉजी सूट कैन बी आइदर सिंगल प्लेन और बायोप्लेन सिस्टम. बायोप्लेन सिस्टम यूज टू सी आर्म दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली पोजीशन अराउंड द पेशेंट फॉर साइमल्टेनियस डिजिटल एक्विजिशन ड्यूरिंग अ सिंगल कंट्रास्ट इंजेक्शन.
अच्छा अब इसमें जो है वो हमारे पास सिंगल प्लेन और बाय प्लेन सिस्टम ही हो सकता है, मतलब एक तो हो गया हमारे पास कौन सा रिमोट फ्लोरोस्कोपी, एक हो गई हमारे पास कौन सी कन्वेंशनल, एक हो गई हमारे पास कौन सी सीएम फ्लोरोस्कोप हो गया, ठीक है। तो अब जो सीएम फ्लोरोस्कोप है उसमें फर्दर हमारे पास दो तरह के प्लेन सिस्टम है, एक सिंगल प्लेन सिस्टम है और एक बाय प्लेन सिस्टम है। जो बाय प्लेन सिस्टम है उसमें दो सीएम होंगे बेसिकली, यानी कि ये एक सीएम आपको नजर आना, इसी तरह से एक और सीएम होगा इसका फ्लोरोस्कोपी ट्यूब के अंदर, और जो सिंगल प्लेन है उसमें आपको ये एक सीएम नजर आएगा। तो ये आप सिर्फ इतना भी याद रख लें कि बाय प्लेन और सिंगल प्लेन है उसमें क्या डिफरेंस है, तो दैट इज एनफ। ओके, सो बाय प्लेन सिस्टम यूज टू सीएम दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली पोजीशन अराउंड द पेशेंट फॉर साइमल्टेनियस डिजिटल एक्विजिशन ड्यूरिंग अ सिंगल कंट्रास्ट इंजेक्शन, ठीक है, कि आप सिंपल पेशेंट का एक कंट्रास्ट डालेंगे और दोनों तरफ से सीएम पेशेंट के ऊपर जो है वो एक्सरेज आएंगी और उसका इमेज जो है वो हमें नजर आ जाएगा। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास दो सीएम होंगे, क्योंकि पेशेंट की पोजीशन हमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आयोडेटिक कंट्रास्ट इज देयरफॉर टॉक्सिक डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिव टू द किडनीज, ठीक है जी। ये इसलिए हमारे पास जो बायोप्लेन है वो आसान है या वो हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज कंट्रास्ट हमने कहा है कि हमें सिंगल इंजेक्शन डालना पड़ेगा, कंट्रास्ट को बहुत ज्यादा पेशेंट की बॉडी के अंदर रोटेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंट्रास्ट हम अगर यूज कर रहे होते हैं वो पेशेंट के लिए जो है वो डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, जैसे कि आयोडेटेड अगर हम यूज करते हैं तो वो किडनी को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर पेशेंट की कोई किडनी का मसला है तो तभी हम फ्लोरोस्कोपी को जो है वो फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो आप कंट्रास्ट यूज कर रहे हैं वो जाके पेशेंट की किडनी को जो है वो डैमेज ना करे। एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंट्रास्ट दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इज लिमिटेड बाय द पेशेंट बॉडी मास, ठीक है जी। तो बेसिकली जो सीएम है उसमें क्या है, दो तरह के प्लेन हैं, सिंगल प्लेन और बाय प्लेन। बाय प्लेन को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल इंजेक्शन कंट्रास्ट हम यूज करते हैं, हमें मल्टीपल की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और आपको जो है वो ये इंडिपेंडेंटली पेशेंट की पोजीशन जो है वो हम सेट कर लेते हैं और इजीली उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ज्यादातर हम इसको जो कार्डियोलॉजी है, ठीक है, उसमें जो है वो ज्यादा जो है वो यूज कर रहे होते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली क्रिटिकल इन पीडियाट्रिक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरीज ओइंग टू द लो बॉडी मास ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट, which really limits the amount of contrast that can be registered during an imaging study and the small size of the blood vessels which may require high iodine concentration for acceptable visualization. अच्छा, अब इसमें जो है वो अगर आप इसको यूज करते हैं पीड्स के बच्चों में, यानी कि पीडियाट्रिक कैथेटराइजेशन में, अगर कोई बच्चा है पीड्स का, उसको कोई हार्ट का इश्यू है, ठीक है, और आपने जो है वो प्लेस करना है अंडर द फ्लोरोस्कोपी, तो उसमें क्या होगा कि आप अगर इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, सीएम फ्लोरोस्कोप को जो कि सिंगल प्लेन है जिसमें हमें ज्यादा कंट्रास्ट डालना पड़ता है, तो क्या होगा, जो कॉज पीड्स है यानी कि बच्चे हैं, वेसल्स का साइज छोटा होगा, ठीक है, आयोडीन की कंसेंट्रेशन या कोई भी कंट्रास्ट की कंसेंट्रेशन अगर हम ज्यादा डाल देंगे कि हमें अच्छे से विजुलाइज हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि वो जो है वो डैमेज हो सकता है उनके लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो हमारे पास सी आम फ्लोरोस्कोप है इसका सबसे ज्यादा यूज जो है वो कौन सी उसमें आप ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। तो आप कहेंगे कार्डियोलॉजी में ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इसको हम, और जो पीडियाट्रिक कैथेटराइजेशन है उसमें हम इसको जो है वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते, बिकॉज वहां पे ये क्रिटिकल हो जाता है स्मॉल साइज ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से, और हमें जो कंट्रास्ट है वो अगर ज्यादा डालना पड़ेगा तो क्या होगा कि वो जो है वो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, ये आपको एक बेसिकली रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम शोज राउंडेड फिलिंग डिफेक्ट्स इन मेनी कैलसेस रिप्रेजेंटिंग द पेपिलरी नेक्रोसिस, ठीक है जी। ये किडनी का बेसिकली आपको कैलसिस जो है वो दिखाया गया है जिसमें हमारे पास पेपिलरी ये नेक्रोसिस जो है वो हुआ हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको कंट्रास्ट डाल के ये एक इमेज जो है वो शो किया गया है। अच्छा, ये हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था कार्डिक कैथेटराइजेशन में ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी का, आप इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। अगेन ये देखिए, आप कोई अगर हमने कैथेटर प्लेस करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन आपको नजर आ रही है, ये आपको जो नजर आया ये हमने कंट्रास्ट जो है वो तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो डाला हुआ है, और आप फिर उसको जो है वो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसकी स्पॉट फिल्म भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसका आ जाता है बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट एंड रिस्क।
Fluoroscopic procedures are very useful in the search of several type of disease and their indications. ठीक है, अभी मैं हमने decide जो है वो discuss किया था कि ये as a diagnostic भी आप इसको use करते हो. These are more cheap than CT scan and MRI. ठीक है, CT MRI आपके पास ज़रा ज़्यादा expensive machines होती हैं. ये इतना expensive नहीं होता हमारे पास. इसके अलावा however fluoroscopic procedures due to continuous live and dynamic imaging study of internal anatomy deliver a significant amount of dose to the patient. अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक के इसका हमारे पास जो रिस्क है बिकॉज हम कंटिन्यूसली बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है उसको एक लाइव मूवी की तरह एक इमेज जो है वो देख रहे हैं किसी भी प्रोसीजर के दरमियान. ठीक है, और इसमें हम यूज एक्स रेज कर रहे हैं. तो जब आप कंटिन्यूसली बॉडी के ऊपर एक्स रेज को जो है वो उसका एक्सपोजर करते रहेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली वो पेशेंट के लिए जो है वो एक सिग्निफिकेंट डोज उसके अंदर चली जाएगी ना एक्स रेज की, तो वो उसके लिए रिस्की हो सकता है. ठीक है, बिकॉज आयनाइजिंग रेडिएशन है. द फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर रिकॉर्ड शुड बी केप्ट बाय द पेशेंट एंड प्रेजेंट टू द डॉक्टर टू द नेक्स्ट लेवल टू अवॉइड एनी लॉन्ग टर्म रेडिएशन साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, तो वही बात आ गई, बिकॉज जो एक आपने फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर पेशेंट का किया था, ठीक है, उसमें हमने जब आयनाइजिंग रेडिएशन पेशेंट को दी है तो उसमें ऑलरेडी टाइम जो है वो कंज्यूम हो चुका है. तो अब पेशेंट को चाहिए कि जो अपना वो रिकॉर्ड है उसको संभाल के रखे ताकि दोबारा जब डॉक्टर के पास जाएं तो वो उसी रिकॉर्ड को भी यूज कर लें और दोबारा से जो एक रेडिएशन का एक्सपोजर है वो पेशेंट के लिए ना हो. ठीक है, इसके अलावा वैसे अब तो ये होता है कि कुछ हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट का डाटा जो है वो हमारे पास ऑनलाइन जो है वो सारा सेव हुआ है. तो अगर पेशेंट के पास नहीं भी जो है वो अपना डाटा होता तो हम हॉस्पिटल सिस्टम से जो है वो डाटा वहां से ले लेते हैं. ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए फ्लोरोस्कोपी क्या है, इसमें क्या हमारे पास डिफरेंट इसके कॉम्पोनेंट्स हैं. आई थिंक सारे उसके ऑलमोस्ट सेम ही कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है, जो इसका इक्विपमेंट था उसमें मैंने आपको सिर्फ बताया था कि एक्टीट्यूड जो है वो उसकी पोजिशनिंग जो है वो चेंज है. ठीक है, प्रिंसिपल में आपने बस वो दो पॉइंट्स ही याद रखने, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेंस सिस्टम. इंडिकेशन जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो स्पेसिफाइड इंडिकेशन होती हैं वो आप लोग जो है वो थोड़ी सी देख लिया करें. आपको ज़्यादातर कार्डियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, वास्कुलर में इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोपेडिक्स में इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लें क्या स्पेसिफिक इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है. अभी हमने स्टडी की है कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के, जहाँ पे हम कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते, जहाँ पे पेशेंट ने पहले ही कोई एक्सरेज सीटी या आयनाइजिंग रेडिएशन को खुद को एक्सपोजर किया होता है, या स्पेसिफिकली जैसे प्रेगनेंसी है, इन सारे केसेस में आपको जो है वो नहीं यूज करेंगे. और देन वी डिस्कस अबाउट द रिस्क एंड कॉस्ट. ठीक है बच्चों, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो फिर हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि बिकॉज मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसमें इमेजेस नहीं ऐड किए हुए, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग जो है वो बहुत सारे इमेजेस पढ़ चुके हैं, साइजेस पढ़ चुके हैं. मैंने फ्लोरोस्कोपी में ये दो चार ही इमेज आपके डाले हुए थे और इनका पर्पज ये था कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से एक कंट्रास्ट के साथ फ्लोरोस्कोपी का आप इमेज जो है वो आपको नजर आ रहा होता है. ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी से रिलेटेड आपको कोई इमेज ऐसे एग्जाम में जो है वो मैं नहीं दूंगी, बट यस जो रेस्ट ऑफ द थ्रेटिक मटीरियल है उसमें से आपसे जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, तो आपको इसमें जो है जितना भी थ्रेटिकल मटीरियल है उस पर आप फोकस करें. इसमें मैंने इमेजेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, तो इमेजेस को जो है वो आप यहाँ पे जो है वो निग्लेक्ट कर. ठीक है जी बच्चों, अब आप में से किसी बच्चे का भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, हैंड रेज करें और पूछ लें. चलिए, किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आप बस स्पॉटिंग और जो आपके सीपी का वाला जो क्विज है उसकी सारी अनाउंसमेंट में जो है वो एलएमएस पे कर दूंगी. ठीक है, तो वो फिर आप लोग वहां से देख लीजिएगा. और इसके अलावा फिर एक क्लास हम रख लेंगे, अगर आप लोगों ने पेपर रिव्यू करना होगा तो वो भी जो है वो डिस्कस करेंगे.
चलें किसी की कोई बात नहीं है, क्लास एंड कर दूं फिर मैं। बच्चे सो रहे हैं या जाग रहे हैं? मैम जाग रहे हैं। चलें ठीक है, ओके फाइन, ठीक है फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।